बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तआला जल्ला शानहू ने जब ज़मीन की तख्लीक फरमाई तो वह हिलने लगी, फिर अल्लाह तआला ने पहाड़ पैदा करके उस पर नसब फरमा दिए तो वह ठहर गए। पहाड़ों की सख्ती देख कर फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो अर्ज़ करने लगे कि ऐ अल्लाह पाक, तेरी कोई ऐसी मखलूक भी है जो पहाड़ से भी ज़्यादा सख्त हो? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ लोहा। फरिश्तों ने फिर अर्ज़ की कि या अल्लाह, लोहे से भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आग है। फरिश्तों ने फिर अर्ज़ की कि या अल्लाह, आग से भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ पानी है। फरिश्तों ने फिर अर्ज़ की कि या अल्लाह, पानी से भी सख्त कोई चीज़ है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हवा है। फरिश्तों ने फिर अर्ज़ की कि या अल्लाह, हवा से भी कोई चीज़ सख्त है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ इब्ने आदम है जो दाएं हाथ से सदका करता है और उसे बाएं हाथ से छुपाता है। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने सदक़े की कुछ अकसाम बयान करूँगा जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर एक, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। नंबर दो, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है। नंबर तीन, भटक जाने वाली जगह में किसी को रास्ता दिखाना सदका है। नंबर चार, पत्थर कांटा और हड्डी को रास्ते से हटाना सदका है। नंबर पाँच, अपने डोल से भाई के डोल में पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। नंबर छः, सवाब की नीयत से अपने अहलो अयाल पर खर्च करना भी सदका है। नंबर सात, अच्छी बात मुंह से निकालना भी एक सदका है। नंबर आठ, हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है। नंबर नौ, सबसे अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है। नंबर दस, हर मिलने वाले शख्स को सलाम करना भी सदका है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, जबकि उसे उसके माल से तीन ही किस्म का फ़ायदा है। नंबर एक, वो माल जिसे खा कर ख़त्म कर दिया। नंबर दो, जिसे पहन कर पुराना कर दिया। नंबर तीन, जो सदका व खैरात करके आखरत का ज़खीरा बनाया। इसके सिवा तो वो सब कुछ दूसरे वारसों के लिए छोड़ जाएगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु दूसरी जगह पर बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना होता तो भी मैं यही पसंद करता कि तीन रातों से ज़्यादा उसमें से कुछ ना रह जाए। हाँ, अगर मुझ पर कर्ज हो तो उसके लिए कुछ रख लूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, इन अहादीस मुबारक से हमें सदका व खैरात की अहमियत का पता चलता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए और हमें आखरत में कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।